नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस अब कॉरपोरेट कल्चर पर आ गई है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बकायदा बोर्ड लगाया गया है, जिसमें पार्टी ऑफिस के सुबह 11 से लेकर शाम 6 बजे तक का खुलने का समय तय किया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रविवार को अवकाश की भी सूचना दी गई है। अभी तक सरकारी भवन और मंत्रालय में रविवार को अवकाश होता था, लेकिन देश की दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने अपने एमपी दफ्तर में भी अवकाश का दिन तय कर लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी और नेताओं को सक्रिय रखने के साथ साथ उन्हें अवकाश भी देने का सिलसिला कांग्रेस में शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद कई नए फैसले देखने को मिलते हैं। कुछ समय पहले वास्तु दोष की वजह से मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया था, अब उसके बाद कांग्रेस का नया कॉर्पोरेट कल्चर सामने आया है। पहली बार पीसीसी ने बकायदा अपने मुख्य गेट पर तख्ती लगाई है, जिसमें अपने पीसीसी कार्यालय का समय तय कर दिया है। इसमें साफ लिखा है कि सुबह 11 से शाम 6 बजे तक पीसीसी कार्यालय खुला रहेगा। उसके अलावा पहली बार कांग्रेस अब रविवार की छुट्टी भी मनाएगी और यह कॉर्पोरेट कल्चर अब शुरू हो चुका है कांग्रेस में। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तब से बने हैं, बकायदा अब रोस्टर के साथ नेताओं की ड्यूटी भी लगाई जाती है और उन्हें वीकली ऑफ भी दिया जाने लगा है। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो एमपी कांग्रेस ऑफिस में फिक्स टाइमिंग और संडे की छुट्टी को लेकर प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है कि यह समय कार्यालय में आने वाले कर्मचारियों और मिलने वाले लोगों के लिए है। कार्यालय में 24 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए स्थान है, परंतु कर्मचारियों का भी एक समय निश्चित होता है। तो जो कर्मचारी हैं उनके बैठने का जो समय है वो आगंतुकों की जानकारी में होना चाहिए कि हमारे पास कर्मचारी किस समय से किस समय तक मिलेंगे। तो उसकी सूचना के लिए एक बोर्ड था, उसमें कुछ त्रुटि थी तो उसको हटा के अंदर लगाया। बाकी बोर्ड तो अभी भी लगे हुए हैं। हाँ, आगे की तरफ लगा हुआ है। इस वाले बोर्ड में कुछ त्रुटि थी तो उसको चेंज किया गया। वहीं कांग्रेस के कॉर्पोरेट कल्चर पर बीजेपी ने चुटकी ली है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पोस्ट कर लिखा है कि अब जब जीतू पटवारी की कांग्रेस कॉर्पोरेट कल्चर से चलेगी, शाम 6 बजे के बाद और रविवार को कांग्रेस के जन छुट्टी पर रहकर मस्त रहेंगे। देश के इतिहास में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह के निर्णय लिया है। तो कांग्रेस कह रही है कि वो ऑफिस में बैठने वाले कर्मचारियों के लिए टाइमिंग और संडे की छुट्टी है, बाकी पूरा समय कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस का दफ्तर खुला रहेगा। लेकिन जो कर्मचारी हैं उनकी टाइमिंग को लेकर यह सूचना दी गई है। लेकिन बीजेपी का तंज कि जीतू पटवारी की कांग्रेस अब इस तरह ही चलेगी। भोपाल से हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, जो नोटिस चस्पाया गया है कांग्रेस दफ्तर में, कांग्रेस भले ही कहे उसके लिए कि वो कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों के लिए टाइमिंग्स और संडे की छुट्टी है, लेकिन बीजेपी को मौका मिल गया है इस कॉर्पोरेट कल्चर पर चुटकी लेने का। जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के कॉर्पोरेट कल्चर को लेकर अब बीजेपी सवाल खड़े करी है। बीजेपी को बिना बैठे ही मुद्दा मिल गया और सबसे अहम बात है कि पूरी बीजेपी अब इस पर हमलावर हो गई है कि हमारा कार्यालय तो 365 दिन खुला रहता है, हम तो कभी भी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मौजूद रहते हैं। और यह पहला कांग्रेस का ऐसा कार्यालय है जो देश में जिसमें इस तरह का नोटिस चस्पा हुआ, देश की सबसे दूसरी बड़ी पार्टी और वो इस तरह की बात कर रही है और यह कह रही है कि हम तो केवल रविवार को छुट्टी रखेंगे और 11 से 6 बजे के बीच ही मिलेंगे। कांग्रेस सफाई जरूर दे रही है कि हम लोग ये केवल कर्मचारियों के लिए लागू कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी खुद कंफ्यूज है। अगर हम कांग्रेस के प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का बयान सुने तो वो कहते आ रहे हैं कि क्या संडे को छुट्टी नहीं मनाई जा सकती है। वहीं अगर प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी की बात करें तो बोलते हैं कर्मचारियों के लिए। वहीं अगर जो इनके प्रदेश प्रवक्ता है अमित शर्मा, जब उन्होंने बयान दिया कि ये गलत थी त्रुटि, हमारा कार्यालय 365 दिन खुला है, 24 घंटे खुला है और हमने उस तख्ती को हटा दिया है जो गलत नोटिस चस्पा था, तो पूरा का
पूरी कांग्रेस खुद कंफ्यूज है इस पूरे मुद्दे पर। वैसे ही हमने जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव से बात की तो उन्होंने पूरे मामले से ही किनारा कर लिया। उन्होंने क्या, मुझे तो कुछ जानकारी नहीं कि ऐसा कोई बोर्ड भी लगा दिया गया है। तो कांग्रेस जहां बैकफुट पर है, कंफ्यूज होकर अलग अलग बयान दे रही है, वही बीजेपी हमलावर है। बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया है और कारपोरेट कल्चर और ये लोग उस तरीके से चल रहे हैं, टाइमिंग से वो सारा हाँ। बोलने का मौका मिल गया। तो कहीं ना कहीं दोनों बातों को लेकर विरोधाभास की ठीक है। शैलेंद्र आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे। और फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इंदौर से अगली खबर है जहां एक बड़ा हादसा टल गया है। स्कूल की बस हाईटेंशन तार से टकराई है। बस में बैठी हुई थी छात्रा, बच्चे जो हैं बाल बाल बचे हैं। बड़ी खबर, तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही स्कूल बस है जो हाईटेंशन तार से टकरा गई और बस में छात्राएं सवार थी। देखिए किस तरह से ये बस जो है वो हाईटेंशन तार से टकराई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बस में छात्राएं सवार थी, गनीमत रही, राहत की बात ये रही कि छात्राएं सुरक्षित हैं, कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। अगली खबर भी इंदौर से है जहां जर्जर मकानों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। निगम की ओर से इन मकानों पर हथौड़ा चलाया गया है, कई मकानों को जमींदोज किया गया। बुधवार को 3 जर्जर मकानों को तोड़ा गया। आज बड़ा गणपति क्षेत्र में यह अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी खबर इंदौर से ही जहां जर्जर मकानों को हटाने के लिए निगम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर कार्रवाई की जा रही है। कई जर्जर मकान जिन्हें जमींदोज किया गया है, बुधवार को 3 मकानों को तोड़ा गया जो जर्जर हालत में थे। आज बड़ा गणपति क्षेत्र जो है वहां पर ये ऑपरेशन जारी है। अगली खबर भोपाल से है जहां बदमाशों ने हमला किया। राजधानी में एक लड़की के फ्लैट में घुसकर बदमाशों ने हमला किया। 2 बदमाश शराब के नशे में धुत थे, ये जानकारी मिल रही है। लड़की के भाई के साथ मारपीट की गई। लड़की अपने भाई के साथ यहां रहती थी। लड़की रीवा की रहने वाली बताई जा रही है। ये देखिए, ये वही घर है जहां लड़की के भाई को पीटा गया है। 2 बदमाश जो शराब के नशे में धुत थे, राजधानी का ये हाल है। तो लड़की रीवा की रहने वाली बताई जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक कल जो लूटकांड की तस्वीर सामने आई थी, भोपाल में रचना टावर में रहने वाले एक शराब कारोबारी से घर में घुसकर लूटपाट की गई। और एक तस्वीर आज सामने आई है जहां पर एक लड़की के फ्लैट में घुसकर बदमाशों ने उसके भाई के साथ मारपीट की है। तो राजधानी का ये हाल है जहां पर बदमाश किसी के भी घर में घुस जा रहे हैं, कहीं लूट कर रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये राजधानी का हाल है जहां पर लग रहा है कि बदमाश जिस तरह से घरों में घुसकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें ना तो पकड़े जाने का डर है ना ही पुलिस का खौफ है। देखिए, बिल्कुल कहा जाए तो आज की स्थिति में तो पूरे मध्य प्रदेश की ही कानून व्यवस्था चौपट है। अगर बात की जाए भोपाल राजधानी की, तो कल और आज के दो घटनाक्रम में वही चौंकाने वाले हैं। खासकर रचना नगर का जो फ्लैट जिसमें जो आरएस लीकर्स का दफ्तर था, वहां पर 12 से 15 लाख की लूट होती है। 2 आरोपी दिन दहाड़े घुसकर और पैसा लूट कर ले जाते हैं। अब 24 घंटे हो चुके, अभी तक पुलिस ना आरोपियों को पकड़ पाई। लौटेंगे आपके पास सीधा इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लोकसभा लिए चलते हैं दर्शकों को, जहां पर बिल पेश कर दिया है। वक्फ में संशोधन का बिल मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया है। फंडामेंटल प्रिंसिपल, यू कैनॉट गो विद हिंदू धर इन अवर ट्रेडिशन। व्हाट इज द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन, व्हाट इज द कल्चर ऑफ इंडियन जी? We are believing the culture and tradition of Indian Bharat. Respect each other's faith. I told you,
वी आर हिंदू सर, वी आर अ बिलीवर, बट वी सेम टाइम वी आर रेस्पेक्टिंग द फेथ ऑफ अदर रिलीजियंस आल्सो. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra Haryana election. Yeah. This bill is specialized. But you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again, you are trying to experiment that bill. Sir, again, this is an attack on federal system also. This is a clear attack on federal system also. Wakaf properties, there is actually the nitty-gritty of that things dealing by the states, rules and the data collection, everything. This bill is take away all the data collection to the central side. So, attack on constitutional freedom of religion, attack on federal system. Answer three, sir, basically the three. Sir, clearly, wakaf by use, there is a concept of wakaf by use. You see that near Delhi Parliament, there is a parliament, there is a big, there is a mosque, more than 200 years old mosque. Nobody know that how it become, what was actually the property deal of that mosque itself. You are removing the clause of wakaf by use through this. This amendment. That means there is going to be dispute in each and every mosque, yes, where there is no deal needed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. Okay, I can understand if you want a prospective bill on this cross. There is still bit of justification. Retrospectively, you are taking over all the pilgrim centers which have no deed. There were traditional ages one. My point is every legislation, there should be a motive of, there should be an intention of well-being. That is what we are witnessing. That should come from the heart. Every legislation has to come from the ruler's duty is to make the decision which come from the heart. Now you are ill motive to divide the people of this country. That is why we bring the bill. Therefore, we are totally objecting the bill. This bill cannot be passed, sir. This bill cannot be introduced, sir. Sri Mohibullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Janab-e Sadr, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में. जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया क्योंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी. 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आए, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने टू मैन कमेटी बनाई और टू मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी. अब बिल पर चर्चा हो रही है यहाँ पर, अब रुक करते हैं बेंगलुरु का जहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं इन्वेस्टर्स समिट में. तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं. टू इनवाइट आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑन टू द डाइस. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एज लाउडली एज पॉसिबल क्योंकि अब मैं हमारे मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से सभा को संबोधित करने के लिए अनुरोध करती हूँ. लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन अ बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ದೇಶ ಕೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕೆ ನಾಮ ಸೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಕಿ ಇಸ್ ಧರ್ತಿ ಪರ್ ಮನ ಆನಂದ ಸೆ ಭರೆ ಆಪ್ಕಾ ಉತ್ಸಾಹ ಉಮಂಗ್ ದೇಖ್ ಕರ್ಕೆ ಆಪ್ ಸಬ್ಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ನಮಸ್ಕಾರ. मंच पर जिनकी गरिमामय उपस्थिति है, पद्मश्री मेरे नाम राशि श्री मोहनदास पाई जी, आपका अभिनंदन है. को फाउंडर एंड पार्टनर एरिन कैपिटल पार्टनर्स,
श्री श्रीमान ग्रीनको ग्रुप के चेयरमैन अनिल कुमार जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। लैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री शिव वेंकट रमन जी, वाइस चेयरमैन सीआईआई सिद्धार्थ सेठी जी, मंच पर उपस्थित मध्यप्रदेश सरकार के सभी माननीय अधिकारीगण, इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्र से आए हुए निवेश क्षेत्र की स्वनाम धन्य हस्तियां, ऑस्ट्रेलिया की हमारी अपनी राजनयिक परिवार से वो भी हमारे हिस्सा बनी है, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। मध्यप्रदेश सरकार के माध्यम से कर्नाटक आकर के आज के इस दौर में जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो कर्नाटक के हम सब बेंगलोर की इस वर्तमान की दशा के लिए जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ऐसी सारी हस्तियां बैठी है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत को दुनिया में हजारों साल से सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, और ये केवल कहने वाली बात नहीं, हमारी उद्यमशीलता की, हमारी परिश्रम की, हमारे काम करने की कार्य पद्धति की, और सबको लेके साथ चल करके मानवता के मार्ग दिखाने की हजारों साल की हमारी एक पहचान रही। उस पहचान में हमारी उद्यमशीलता भी छिपी हुई है, कल्पनाशीलता भी छिपी हुई है, बौद्धिक क्षमता भी छिपी हुई है, और ये बौद्धिक क्षमता में व्यावसायिक निपुणता की ही प्रकाशा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम केवल स्मरण करें, कुछ साल पहले तक भारत की इकोनॉमी की दृष्टि से कहीं गिनती होती नहीं थी, ऐसा लगता था कि जरा हमारे लिए बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कम समय के अंदर हमारी अपने उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर और ये बौद्धिक क्षमता के भरोसे से दुनिया की पांचवी इकोनॉमी बनाकर के माननीय मोदी जी ने जो कमाल किया, उसमें निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान है। और बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, कदम कदम पर हमको अनुकूलता भी दिखाई दे रही, चुनौतियां भी दिखाई दे रही, और अनुकूलता चुनौतियों में से अलग अलग बहुत सारे सेक्टर निकल के आ रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी एक हमारी अलग राह निकल रही, जिसके भरोसे से निश्चित रूप से हमारा अपना आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार की सरकार में जो उनने आह्वान किया था और पूरे देश ने एकजुटता के साथ जिस रास्ते पे माननीय मोदी जी की सरकार जा रही है, उसमें सभी ने कदम बढ़ाया है, और आपने सबसे ज्यादा महत्व की इस मार्ग को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिखाई, मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ चुनौतियां भी हमारे देश की है, जिस चुनौतियों के भरोसे से हमारे मेहनत का साथ अपनी मेहनत तो करते हैं, मेहनत करने में कहीं कोर कसर बाकी नहीं, लेकिन उचित मार्गदर्शन, टेक्नोलॉजी का योगदान, अंदर की इच्छा शक्ति को आगे बढ़ने के लिए ललक लगाते हुए लोग, लेकिन नवीन अनुसंधान की नई परंपरा में नवीन स्टार्टअप के माध्यम से जो मार्ग खुलता है, उस मार्ग के माध्यम से निश्चित रूप से भारत की तरफ दुनिया देखेगी और भारत अपना हक हासिल करेगा, यह हमारी बड़ी संभावना है। मैं अपने इस अवसर पर, खासकर इस अवसर पर मध्य प्रदेश को उसी दृष्टिकोण से देख रहा हूं कि जब हम कर्नाटक में आके बात करते हैं, कोयम्बटूर में बात करते हैं, और सरकार के माध्यम से जब इस तरह के ऑफर देते हैं, तो वर्तमान के दौर में देने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन मैं काल के प्रवाह के उस उदाहरण को जरूर आपके सामने लाना चाहूंगा, जिसके माध्यम से हमारी सरकार की मनोदशा क्या होना चाहिए वो आपके सामने आ जाएगा। हम सब जानते हैं कि हमारा सन की शुरुआत होती है, जैसे ईसवी सन 2024 की बात करेंगे, ये ईसा मसीह के जन्म के साथ होता है, हिजरी संवत की बात करेंगे तो वो उनके शरीर छोड़ने के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे विक्रम संवत की बात करते हैं तो विक्रम संवत यह अपने पुरुषार्थ का है,
हमारे पराक्रम का है और पुरुषार्थ पराक्रम से ज्यादा ये सरकार की उस मनोदशा का जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, विक्रम संवत 2081 चल रहा है, अर्थात ये विक्रम संवत 2081 नया साल हमारा जो होता है वो नया साल का परिवर्तन कैसे होता है, मैं उस इतिहास पे ले जाना चाहूंगा। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने रोम के तक जाकर के देश के आक्रांताओं को मार मार के छोड़ा था, जिनने हमारे देश पे शकों ने कब्जा किया ऐसा माना जाता है, लेकिन उसको हटाने के बाद एक बार फिर देश अपने पैरों पे खड़ा हो, देश का हर आंगन हर घर हर जगह हमारी अपनी जो पुरानी स्थिति उसको बहाल करे, तो विक्रमादित्य ने जब हमारे यहां संवत की प्रारंभ करने की पद्धति क्या है ये केवल बताना चाहूंगा। उन्होंने जितने भी अपने पूरे देश के भूभाग के नागरिकों से कहा है कि किसी पे भी कोई कर्जा हो वो सारा कर्जा मेरे पास वही दस्तरे देने वाले और लेने वाले, साहूकार और लेने वाले जो कर्जदार है दोनों आ जाए और शासन से सबका एक एक पैसा कर्जा सरकार चुकाएगी, किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, क्योंकि हमको जब समाज को लेके आगे बढ़ना है तो जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है सरकार को उसकी वहां मदद करना चाहिए, ये हमारी परंपरा है। सरकार जब मदद करती है तो अपनी उद्यमशीलता प्रारंभ होती है, हमारी क्षमता बौद्धिक योग्यता हाथ की मेहनत सबका योगदान मिलता है। और ये विक्रम संवत में मैंने बताया कि विक्रमादित्य ने अपने पास कितना धन देने का मन बनाया होगा अंदाज लगा सकते हैं, जो पूरे देश का कर्जा चुकाने की हिम्मत रखे। लेकिन ये तो आधा बता रहा हूं, आनंद तो तब और आएगा कि विक्रमादित्य ने उतना ही नहीं किया और लोगों ने कहा कि ये तो हमने पुराने कर्जे चुकाने में चला गया, अब आगे कल फिर काम करेंगे फिर कर्जे हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है, ये कर्जा तो मैंने पुराना कर्जदार वालों के लिए दिया था, आप इतना ही धन और ले जाओ जिसके भरोसे भविष्य में भी आपको कर्जा की जरूरत नहीं पड़े, इतना दम जिसमें वो संवत की शुरुआत कर सकता है। ये उज्जवल परंपरा भारत की है जिसके कारण से हमारी दुनिया में संस्कृति सदैव मान सम्मान पाती रही है। अर्थात जब हमारा युद्ध काल होगा तो युद्ध में हमारे सैनिक अपनी सैनिकों की मनोदशा की पराकाष्ठा करेंगे, हम बहादुरी से वहां मुकाबला करेंगे, लेकिन जब युद्ध काल नहीं है तो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में सरकार की मनोदशा मनोभावना इसी भाव के आधार पर होना चाहिए कि जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है उसी क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार बनने के बाद हमने ये सभी सेक्टरों में समान रूप से आगे बढ़े, क्योंकि यहां बहुत बड़े पैमाने पर आईटी के लोग भी बैठे हैं, आईटी की तरह से भी हमने हमारे आईटी के जो सेक्रेटरी है उनने बहुत अच्छे से बात रखी है कि आज व्यापार व्यवसाय के लिए जिस प्रकार की जरूरतें हैं वो सब हम देने को तैयार है। भगवान परमात्मा ने हमको अगर बेंगलोर में इस लायक बनाया है तो बेंगलोर में ही नहीं रुकना है, आपको पूरे देश और दुनिया में आगे तक छाना है, तो मध्य प्रदेश भी रास्ते में आता है, मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, आपको आमंत्रित कर रहा है, आपको कोई अंतर नहीं लगेगा बेंगलोर में बैठे बैठे, आप मध्य प्रदेश में भी उतनी ताकत से व्यापार व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। बल्कि मैं तो उम्मीद करता हूं कि जैसे अभी बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये भाई बहन का रिश्ता मध्य प्रदेश से जुड़ता दिखाई दे रहा है, मुझे उसका आनंद महसूस हो रहा है, वो स्पंदन आ रहा अंदर से जिसके भरोसे से आप यहाँ का पैसा वहां भी लगाओगे वो बढ़ के ही आएगा, कम होने वाला नहीं है, इसकी गारंटी सरकार के माध्यम से मैं दे सकता हूं। और केवल आईटी में क्या, किसी सेक्टर में भी, एनर्जी सेक्टर में अभी आपके बीच में से आपने कहा है वर्तमान में आज मध्य प्रदेश अपने सरप्लस एनर्जी स्टेट के नाते से जाना जाता है और उसमें भी 23% नवकरणीय ऊर्जा है। हमारे अपने परंपरागत स्रोत के बजाय ये जो हमारी नवकरणीय ऊर्जा की जो महत्ता है और उससे भी आगे जाए कौन सा सेक्टर है, टूरिज्म का है, टूरिज्म में तो अभी आपने फिल्म देखी है हमारी विदिशा ने बहुत अच्छा अपना प्रस्तुतिकरण दिया है, लेकिन टूरिज्म में भी केवल वो टूरिज्म नहीं, रिलीजियस टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, एजुकेशन से सारे क्षेत्र में, और
एमएसएमई के हमारे पीएस ने बहुत अच्छी बात रखी, इंडस्ट्री की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। फूड इंडस्ट्री की भी बात करें तो जैसे आपने बताया कि अब ये धान का कटोरा देश का हो गया है, मध्य प्रदेश अपने यहाँ अपनी पहचान इस नाते से बना रहा है कि सर्वाधिक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कहीं की है तो मध्य प्रदेश की है। और हम अपने भारत सरकार के अंदर भी एफसीआई को पूरे देश में सर्वाधिक गेहूं की सप्लाई कोई करता है तो हमारा अपना मध्य प्रदेश करता है, और केवल गेहूं नहीं दलहन उत्पादन में भी उतनी आगे है, और बल्कि आगे बढ़े तो हमारा अपना हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी बड़े पैमाने पर आज जितनी अपनी उत्पादन क्षमता है अपने उस छोटे से अंतराल में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, तो बहुत बड़ी संभावना है। ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन काफी समय हो गया है। हम पत्र लिखते हैं और पत्र लिखते तो पहले, आजकल तो पत्र का जमाना कम हो गया, पहले लिखते थे तो उसमें पूरी कहानी लिखते, और लिखते लिखते जब अपन आखिरी बात करते कि अब आगे क्या लिखे, आप खुद समझदार है, उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुड वी हैव अनदर राउरिंग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। I would now request Mr. Chandramouli Shukla, IAS, Managing Director for MPIDC, to please propose the vote of thanks. बहुत ही आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित आदरणीय पाई साहब, आदरणीय अनिल कुमार जी, आदरणीय शिव वेंकट रमणी जी, आदरणीय सिद्धार्थ सेठी जी, मध्य प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और इस हॉल पर उपस्थित जितनी भी एक्सपर्ट ऑडियंस है, मैं अपनी ओर से